हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका इस चैनल की होस्ट और आपकी दोस्त। आज हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। चलिए बनाते हैं आज एक चटनी। तो इसके लिए मैंने चने दाल को और बादाम को रोस्ट कर लिया है अच्छे से, और इधर थोड़ा सा लहसुन ले लिया है। चलिए इसको मिक्सी जार में पीसते हैं। आप चाहें तो बादाम के छिलके निकाल भी सकते हैं, अदरवाइज़ रहने भी दे सकते हैं। और इसी के साथ ले लिया है 4 हरी मिर्च, ये है नमक, टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, और ये है शक्कर, दोनों को बैलेंस करने के लिए। लास्ट में अगर आपको लगे टेस्ट करने के बाद कम है तो और डालिएगा। और साथ में डालेंगे दही 2 बड़े चम्मच के करीब। चलिए इन सबको पीस लेते हैं। थोड़ा दरदरा पीसिएगा, एकदम फाइन पेस्ट हमको नहीं चाहिए। और मिक्सी जार को धो के उसमें मैंने पानी डाल दिया है। ये हमारा पेस्ट रेडी है। अब इसके साथ ही हम कोकोनट पाउडर एसिकेटेड मिलता है, वो मैं ऐड कर दे रही हूँ। अगर आपके पास नॉर्मल कच्चा नारियल है तो आप उसको पीस के भी डाल सकते हैं। इसके साथ आपकी चटनी रेडी है, रेडी नहीं है। इसके साथ थोड़ा सा और हम नींबू का रस ऐड करेंगे जो टेस्ट को और बढ़ा देगा। तो चाहे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, अदरवाइज़ इसके साथ हम ऊपर तड़का भी लगाएंगे, तड़का लगा के भी आप खा सकते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में है, ये ऐसी ही अच्छी लगती है। चलिए अब इसका बघार जो हमने तड़का है वो बना लेते हैं, अदरवाइज़ ये ऐसे भी रेडी है। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइन ऑयल ले लिया है, और उसी में हम जो कढ़िया पत्ता होता है, मीठा नीम पत्ती, वो थोड़ा सा डाल देंगे। जब तेल थोड़ा ठंडा हो तभी कढ़िया पत्ता डाल दीजिए, इससे कलर आपका ब्लैक नहीं होगा, पत्ते का ग्रीन ही रहेगा और फ्राई भी हो जाएगा। और इसी के साथ एक सूखी लाल मिर्च और सरसों के दाने, ये सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा चटकने तक फ्राई करेंगे, और इसके साथ इसके ऊपर इसको डाल देंगे तो हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। चलिए अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को यूं ही सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप देख सकते हैं ये चटक चुका है, तो इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। जो हमने पेस्ट बनाया है उसको कढ़ाई में कभी मत डालिएगा, अदरवाइज़ पूरा चटनी आपका ख़राब हो जाएगा। ये तड़के को इसके ऊपर डालिएगा और इसको हल्के से मिला लेंगे। बस हमारी चटनी रेडी है। नमक और स्वीट एंड सॉल्ट टेस्ट चेक कर लीजिएगा, अगर लगे थोड़ा सा ऐड कीजिए, और नहीं लगे तो थोड़ा सा पतला कर दीजिए। आज के लिए